हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 के मुतालिक। इसमें हम पूरी तफसील से बताएंगे इस तारीफी वीडियो के अंदर के इंडस्ट्री 4.0 क्या है और इसको हम किस तरह सीखें और इसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी कुछ डिटेल बताएंगे। ये असल में हमारा जो ये चैनल है जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री 4.0। वो तमाम इमर्जिंग और एंड्यूरिंग टेक्नोलॉजीज को हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको बताते हैं कुछ इसकी जो मुख्तसर सी जो हिस्ट्री है इंडस्ट्री 4.0 की, इसका आगाज कहाँ से हुआ। असल में ये एक जर्मन इंजीनियर थे, इकोनॉमिस्ट और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे प्लैनेट इकोनॉमिक फोरम के, क्लास मार्टिन श्वाबे। इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को, इस फ्रेज को फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से, जो है फोर्थ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इंडस्ट्री 4.0 इंट्रोड्यूस करवाया, और ये 2015-16 के अराउंड वो इसकी इस टर्म को उन्होंने जो है ना वो शुरू किया। तो सबसे पहले जो असल इंडस्ट्री 4.0 का आगाज होने से पहले इंडस्ट्री 1.0 है, वो असल पीरियड जो था वो स्टीम ड्राइविंग और प्रोडक्शन मशीन्स जो स्टीम पावर से शुरू हुई उसका दौर था, वो सब प्रोडक्शन से हुआ, जिसके जरिए तमाम मशीनें जो है ना वो ड्राइव हुई, वो इलेक्ट्रिक पावर के जरिए हुई। और ये इसमें जो मशीन थी और जो मैनुअल थे वो सिंपल प्रेशर टेम्परेचर गेजेस जो इंस्टॉल होती हैं मशीनों के ऊपर, इनकी रीडिंग वगैरह, इससे मुतल्लिक जो जितने इक्विपमेंट्स थे लोकली प्रोड्यूस होते थे उसको कवर किया गया इस पीरियड के अंदर इंडस्ट्री 2.0 में। फिर आगाज होता है इंडस्ट्री 3.0 का। इंडस्ट्री 3.0 जो है ये रिलेटेड है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम है, जैसे डीसीएस सिस्टम है जिसमें डाटा गैदरिंग आ जाती है, रिमोट सेंसर थे ये कनेक्टेड थे केबल्स से, तो ये सारा जो था ना ये वाला पीरियड ये इंडस्ट्री 3.0 था। फिर इस डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद हमारा जो चौथा इंडस्ट्री 4.0 जो अभी जिससे हम गुजर रहे हैं ये वेव शुरू हुआ, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के जो चेंज मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम थे जिसमें जो कंबीने आप यूँ कह रहे हैं कि एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन वगैरह, ये 1700 में से आज तक की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, ब्लॉकचेन आ गया, ये सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब इसमें जो ना इनका आगाज हुआ इंडस्ट्री 4.0 से। ये तो एक मुख्तसर सा मैंने आपके सामने इसका जो आपकी इसकी हिस्ट्री बयान की है। अब हम इसके की कंपोनेंट्स जो है ना उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 के मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। अच्छा, अब हम इसके ना थोड़े से एक ही पॉइंट्स कंपोनेंट्स जो है इंडस्ट्री 4.0 के उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले जो नंबर वन हमारे पास आ जाता है वो है मोबाइल डिवाइसेज हैं। आपको पता ही आजकल मोबाइल का दौर है, इसमें लैपटॉप्स आ जाते हैं, आईपैड हैं, स्मार्टफोन हैं। फिर इनका दूसरा जो मेजर कंपोनेंट जो आता है वो है लोकल डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें सेंसर्स वगैरह और असेंबली फ्लोर ये चीज़ें शामिल हैं। फिर तीसरा आ जाता है स्मार्ट सेंसर्स हैं जो कि रियल डेटा जो हमें प्रोवाइड करते हैं। फिर जो चौथा जो कंपोनेंट अहम है वो है बिग डेटा एनालिटिक्स एंड एडवांस एल्गोरिदम इंक्लूडिंग जैसे AI और मशीन लर्निंग है। फिर इसमें एक और अहम जो है की पॉइंट वो आ जाता है लाइट आउट मैन्युफैक्चरिंग, जो मिनिमम हेड कैलकुलेट करते हैं हम प्रोडक्शन में फ्लोर प्रोडक्शन का मैक्सिमम ऑटोमेशन के साथ। इसमें फिर आगे आ जाता है जो अहम पॉइंट वो वियरेबल हेडसेट्स हैं और ऑगमेंटेड रियलिटी विद वीडियो स्क्रीन फॉर ट्रेनिंग है। अब हम आगे आपको इसका बताएंगे कि जो डिज़ाइन प्रिंसिपल है इंडस्ट्री 4.0 के वो क्या है। अच्छा, अब हम जो है ना इसके चार आपको अहम डिज़ाइन प्रिंसिपल बताएंगे इंडस्ट्री 4.0 के क्योंकि वो क्या है ना। पहला उसमें नंबर वन है इंटरकनेक्शन, कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑफ मशीन्स सेंसर्स एंड अदर पीपल थ्रू IoT एंड IoP। दूसरा जो है वो डिज़ाइन प्रिंसिपल है वो है ट्रांसपेरेंसी ऑफ नॉलेज, इसमें आ जाता है कलेक्शन ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा एंड नॉलेज फ्रॉम ऑल पॉइंट्स विद इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय ऑपरेटर्स टू एनहांस फंक्शनैलिटी। और तीसरा जो डिज़ाइन प्रिंसिपल है वो है टेक्निकल असिस्टेंस, द एबिलिटी टू हेल्प ह्यूमंस विद हार्ड टास्क। और चौथा डिज़ाइन प्रिंसिपल है डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन, ये इसमें द एबिलिटी ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम
to make decision on their own and check out to try to do their task as autonomously as possible. अब आखिर में मैं जो है इस वीडियो के आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि इस चैनल में आपको ये इन तमाम टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या क्लाउड कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, फिर इसमें जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इसके ऊपर आपको हमारे आने वाली मुख्तलिफ वीडियो मिलेंगी जिसमें पूरी डिटेल इसमें शामिल होगी, तो इसको आप देखना ना भूलिएगा। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है जिस पे आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिल सकता है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो यकीनन आप विजिट करें तो आपके लिए वो भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और हम गाहे बगाहे इसमें डेप्थ में जाकर आपको बताएंगे कि ये इन टेक्नोलॉजीज का क्या रोल है जो इस वक्त रेवोल्यूशनरी किरदार अदा कर रही हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।